अरविंद केजरीवाल ने जे कांग्रेस के नाल अगे रल के चलना है तो पंजाब ते दिल्ली ने विरोध किया ना सब तो ज्यादा उतों उहदे प्रधान सीगे अजय माकन इतों वाले प्रताप सिंह बाजवा अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंगे ना सारे ने होर तो नहीं किसी ने किया। सो जो कौमी पद्धर पार्टियां होंदियां एक कांग्रेस जिहड़ी है एक खेतरी पार्टी नहीं अकाली दल वांगू अकाली दल नालों तां जिहड़े कहिंदे सी कौमी जनरल सकत्तर कौमी प्रधान ते सीटां दिल्ली दे विच जाए भाजपा दे निशान ते लड़न लग पे। तुसीं लो स्टैंड आपदा तुसीं दूजे सूबिआं च की मजबूत करना सी तुहाडा अजे भविख इत्थे पंजाब च नहीं बिल्कुल जिथे जिथे केजरीवाल साहब जाके आए हैं भगवंत मान नूं नाल लेके मैनूं अज नहीं पता कि भगवंत मान साहब चले आ नाल कि नहीं चले जां केजरीवाल साहब जिहड़े हैगे आ उह किसे फ्लाइट दे उत्ते बह के जाणगे और उन्होंने फैसला करता कि असीं हाँ ऑर्डिनेंस के विरोध च खड़ांगे। उदों बाद जिहड़े इन्हां दे पंजाब दे राज्यसभा मैंबर ने राघव चड्ढा उन्हों का बयान भी आ गया कि जी बैंगलोर के मीटिंग हो रही है आम आदमी पार्टी वो शमूलीयत करो। दिल्ली के कांग्रेस हाई कमांड आम आदमी पार्टी के आर्डिनेंस के हक के उतरती दिखाई देती है देखो इन्होंने जी पटने के मीटिंग हुई सी आम आदमी पार्टी के बड़े बाबू जी अरविंद केजरीवाल साहब ने उत्थे जाके पहले बांस खड़ा करता सी पहला साढ़े बारे दसो जी कि ऑर्डिनेंस के नाल खड़ोगे या नहीं खड़ोगे जो समझौते होंगे शर्तों मुताबक नहीं होया करते इस तरह दियां कांग्रेस विरोधी पार्टी है वो दिल्ली की सरकार वालों जाते ऑर्डिनेंस के किवें खड़ेगी हक च और मलकर्जन खड़गे इन्हां दे बड़े सूझवान प्रधान ने मैं अजे तक किसी कंट्रोवर्सी च सुनिया नहीं होवे मैनूं पता नहीं उन्होंने उदों कहा कि तुसीं ठरमा करो जो सैशन आ गया असी एक सब कमेटी बनाती है उस सब कमेटी नूं देता वो रिपोर्ट दे देगी उहदे मुताबक असी फैसला कर लांगे। हुण जदों विरोधी धिर तकरीबन जिथे जिथे केजरीवाल साहब जाके आए हैं भगवंत मान नूं नाल लेके मैनूं अज नहीं पता कि भगवंत मान साहब चले आ नाल कि नहीं चले जां केजरीवाल साहब जिहड़े हैगे आ उह किसे फ्लाइट दे उत्ते बह के जाणगे और उन्होंने फैसला करता कि असी हाँ ऑर्डिनेंस के विरोध च खड़ांगे। उदों बाद जिहड़े इन्हां दे पंजाब दे राज्यसभा मैंबर ने राघव चड्ढा उन्हां दा बयान भी आ गया कि जिहड़ी बैंगलोर दे विच मीटिंग हो रही है आम आदमी पार्टी उहदे शमूलीयत करूगी इहदा मतलब यह पार्टियां जदों पहलां जिहड़ियां सी इह सी उदों डेढ़ दर्जन हुण इन्हां दी गिनती वध के 26 दे करीब हो गई है दो दर्जन तों वध ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਵਈਆ ਤੇ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇਮਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ 17 ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਧਰੋਂ ਉਰੂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਮਬਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ।
जो चिराग पासवान है रामविलास पासवान का मुंडा उन्होंने भी सद्दा दिता जी होर सहयोगी पार्टियां ने भारतीय जनता पार्टी दी भी उत्थे पहुंच रही ने वो मीटिंग भी कलू है कल बैंगलोर के भी है इतने किन्ने आते ने उत्थे किन्ना आता है कि बाद ना हो भानवती ने कुनबा जोड़ा कहीं की ईट कहीं का रोड़ा ये पता नहीं चोणा तक दुना धिर इकट्ठे रेंदे है जां कहीं की ईट कहीं का रोड़ा बन के सामने आउंदे जी। डॉक्टर साहब हम सवाल तो यह पैदा होंगे ना कि जो दिल्ली आर्डिनेंस मामले के उत्ते कांग्रेस समर्थन तो देता कि पंजाब जी कांग्रेस है वह ये खुश होगी देखो ये कितने ना कि नाराजगी तो है नहीं, देखो इन्होंने अपना पक्ष जाहिर करता सी पर इन्होंने नाल ये भी गल कहती सी प्रताप सिंह बाजवे होर ने भी जी हाईकमान करेगी फैसला असी उहदे नाल हैं कई चीज़ों के सोचना पैंदा देखो अरविंद केजरीवाल ने जे कांग्रेस के नाल अगे रल के चलना है तो पंजाब ते दिल्ली ने विरोध किया सी ना सब तो ज्यादा उतो उहदे प्रधान सीगे अजय माकन जी ते इतों वाले प्रताप सिंह बाजवा अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंगे ना सारे ने होर तो नहीं किसी ने किया सो जो कौमी पद्धर दियां पार्टियां होंदियां ये कांग्रेस जिहड़ी है ये खेतरी पार्टी नहीं अकाली दल वांगू अकाली दल नालों तां जिहड़े कहिंदे सी कौमी जनरल सकत्तर कौमी प्रधान ते सीटां दिल्ली दे विच जाए भाजपा दे निशान ते लड़न लग पे तुसीं लाओ स्टैंड आपदा तुसीं दूजे सूबिआं च की मजबूत करना सी तुहाडा अजे भविख इत्थे पंजाब च नहीं बिल्कुल जी आम आदमी पार्टी कल आके 12 तो बाद ही पैदा हुई है ना बिल्कुल 11 साल होए ने 11 सालां दे विच उन्होंने अपने आप नूं कौमी स्थापित कर लिया इहदा मतलब तुहाडे नाल तो अगे लंघे बिल्कुल जी सो अकाली दल नूं जिहड़ियां अकाली दल च गलतियां होईयां अजे कड़ा हटदे है आ गुरबाणी वाले मामले च फिर सवाल उठ खड़े बिल्कुल जी तुसीं किहड़ा चीज है जिहदे तों लोकां ने कहा सी वी सारी लीडरशिप बदल दिओ की लीडरशिप हुण पार्टियां नूं इक परिवार चलाया करूगा उस परिवार कोले सरमाया है इहदा मतलब बाकियां कोले उदों पहला है नहीं सी जदों अकाली दल दे कोले सरमाया नहीं सी लोक चलाउंदे नहीं सी बिल्कुल जी मैनू याद है जिहड़े स्वर्गवासी सरदार वीर दविंदर सिंह गल सुनाया करदे सन इह कहिंदे कि जिहड़ी मास्टर तारा सिंह दी पुत्री सी बीबी रजिंदर कौर जी ओह बीमार हो गए ना उहनां दी पत्नी बीमार हो गई बहुत छोटी सी जी ये जद्दर जी नूं आई भी डैडी भी मम्मी बीमार ने दवाई दवानी है कहिंदे इन्हां दी जेब दे विचों 50 पैसे निकले कहिंदे 5-7 मिंटां बाद दो तीन जथेदार आ गए भी जद्दर जी फलानी थां ते कॉन्फ्रेंस करनी है उन्होंने दूजे गीजे च हथ मार के रुग भर के पैसे फड़ाते कहिंदे कोल बैठे सज्जन ने पुछया भी जद्दर जी आ की उह कहिंदे भाई इह पैसा पंथ दा है ते जिंदर दे बापू दी जेब च तां 50 पैसे सी इस किरदार दे आगू सी कि उह किरदार अज है बिल्कुल जी तुसीं उसे किरदार नूं दुबारा पैदा कर लो जे अकाली दल कदे भी पंजाब चों पासे हो गया तां कह दिओ खेतरी पार्टी दा मजबूत होना बहुत जरूरी है बिल्कुल जी पर खेतरी पार्टी आपदी करतूत सही रखे लोक भावनावां भाव सिख धर्म के विच तां है ही यह है कि गुरु साहब ने संगत नूं 21 बिसवे कहा संगत की राय मुताबक गल कीती जावे जी। D5 चैनल पंजाबी ते होवेगी पक्ष दे मुद्दियां दी गल सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट निडर हां निरपक्ष रहांगे आजाद हां सच कहांगे गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਸ ਚਰਚੇ ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦਵਾਜ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ